सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th का एग्जाम दिया हुआ है, आप सभी के मन में बिगेस्ट डाउट यही कि आखिरकार हमारा रिजल्ट कब जो है आउट होने वाला है। आखिरकार भैया क्या आजकल का अपडेट है, क्या कॉपी चेकिंग है, सब किस तरीके से हो रही है, तो इसके बारे में यार देखो मैं आप सभी को लेकर के चलता हूँ सीबीएसई के ऑफिशियल अपडेट पे, है ना। तो सीबीएसई आप सभी के सामने मैं जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चलना चाहता हूँ। सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग यार जाओगे ना, तो वहाँ के रिजल्ट सेक्शन में आप लोग जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी अपडेट सीबीएसई की तरफ से ये आप लोग देख सकते हो। सीबीएसई का cbse.gov.in ये जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड यहाँ पे परिणाम रिजल्ट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेगा कि कोई भी ऑफिशियल नोटिस सीबीएसई की तरफ से नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स सब ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, है ना। आपका क्लास 10th के रिगार्डिंग, क्लास 12th के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी न्यू ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है ना। लेकिन यार यहाँ पे आप बात करें कि आखिरकार भैया हमारा कब तक जो है रिजल्ट ये सब आउट हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार कॉपी चेकिंग ये सब का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है ना। तो देखो यार मैंने कल भी एक वीडियो बनाया हुआ था एंड आपको बताया हुआ था कि क्लास टेंथ का जो है फाइनली पूरा जो है कॉपी चेकिंग आपका ओवर हो चुका है, एंड सभी स्कूल से प्रैक्टिकल्स का मार्क्स जो है अपडेट किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल जो है क्लास टेंथ का अपना प्रैक्टिकल्स ये सब जो है अपडेट किए जा रहे हैं ना। बाकी अगर आपका रिजल्ट डेट की बात करूँ तो क्लास टेंथ का, एंड उसके बाद फिर लगभग आपका जब प्रैक्टिकल्स का मार्क्स सेंड कर दिया जाता है, आपका कॉपी चेकिंग ये सब का सारा प्रोसेस हो जाता है, तो इसके बाद से 15-20 डेज का आपका और टाइम लगता है। तो अभी से देखिए तो आपका पास कितना आपका हो गया डेट, आज आपका जो हो गया 21 अप्रैल हो गया, तो आज से देखिए तो आपके पास ओनली मतलब कि 15 दिन के बाद अगर जो ऐड करोगे तो आपका लगभग 10 मई के बाद कंफर्म जो है आपका क्लास 10th का रिजल्ट कंफर्म आपका आ जाएगा। बहुत सारे आप लोग मतलब कि न्यूज आर्टिकल्स पे भी देखोगे ना, इंडिया टुडे हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना, ये सभी दैनिक जागरण हो गया, ये सभी न्यूज आर्टिकल फाइनली आपका अपडेट कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट वीक में क्लास 10th का रिजल्ट कंफर्म जो है आपका आ जाएगा। वहीं पर अगर जो बात करूं क्लास 12th का रिजल्ट भैया आखिरकार कब आएगा, तो क्लास 12th का रिजल्ट देखिए अभी जो है कॉपी चेकिंग आपका चल ही रही है ना। कॉपी चेकिंग का जो है प्रोसेस आपका मतलब मैं बहुत सारे एजुकेटर को फॉलो करता हूँ, बहुत सारे टीचर को फॉलो करता हूँ जो कि यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं जो कि कॉपी चेकिंग अभी भी कर रहे हैं, है ना। टीचर जो है अभी भी कॉपी चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका कॉपी चेकिंग जो है जारी है, एंड आपका 90-95% कॉपी चेकिंग आपका फाइनली हो चुका है। आपका भी जो है जस्ट मतलब 2-4-5 दिन के बाद, 1 सप्ताह के अंदर कॉपी चेकिंग फाइनली खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके भी प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ये सब अपडेट हो रहे होंगे। एंड अगर जो कन्फर्म रिजल्ट डेट की बात करूँ तो क्लास 10th वालों का रिजल्ट डेट आपका 15 मई से पहले आपका कंफर्म आ जाना है ना, 10 मई से पहले आपका आ जाएगा। 15 मई मतलब कि यार आपका अगर जो 1 सप्ताह लेट भी होगा तो पर भी आप ये 100% कंफर्म रहो कि आपका 20 मई से पहले तो आपका कंफर्म क्लास 12 का भी रिजल्ट आ जाएगा। भैया रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट किस तरीके से कॉपी हमारा चेकिंग होगा, तो मैंने आप सभी को इसके पहले भी बताया हुआ था, कॉपी आपका जो है लीनियंट तरीके से जो है चेकिंग हुआ है। अगर जो मार्क्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोल रहे थे कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो है 15-20 मार्क्स का ही लिख करके आया है, बाकी सभी कॉपी को जो है मैंने भर दिया, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा था तो पर भी भर दिया, तो देखो आप अगर जो कॉपी पूरा भर के चले आए हो, एंड अगर जो क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस के रिलेवेंट अगर जो आपने आंसर दिया हुआ है तो आपका जो है मार्क्स हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आपको एटलीस्ट अच्छे से नहीं लिखे हुए भी होंगे, आपने एटलीस्ट डायग्राम बना दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है, थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख दिया है, तो पर भी एटलीस्ट 1-2-3 मार्क्स मतलब मैक्सिमम आप फिर डिपेंड करेगा कि आपका कितना रिलेवेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन के रिलेटेड कितना रिलेवेंट लिखा हुआ है ना। तो ये अभी तक का अपडेट है रिजल्ट के रिगार्डिंग, 10 मई से पहले क्लास 10th का एंड 15 मई से क्लास 12th का आ जाएगा। आप सभी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी के सभी जरूर से जरूर जो है ज्वाइन कर जाइए। सभी के सभी स्टूडेंट जो कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिए, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दिए, सभी स्टूडेंट सीबीएसई वाले ही उस जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, तो आप सभी भी जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। वहाँ पर आपको हर पल का जो है अपडेट मिलता रहेगा, किस तरीके से आखिरकार ऑफिशियल क्या नोटिस आ रही है, जो भी नोटिस आएगा आपको सारा अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा। सो आप लोग सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा। क्लास 10th वाले स्टूडेंट जो क्लास 11th में जाएगा, तो आप सभी के लिए चाहे आप जेई का प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप और भी कोई अदर कंपिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, वो सभी से रिलेटेड आपको सारा हेल्प मिलता रहेगा। क्लास 12th वालों को आप सभी को भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, किसी नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।